अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्लास, मैं आज आपको एक नए टॉपिक के साथ नए तरीके से नए तरीके से दोबारा से हाजिर हुई हूँ। तो क्लास, आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक होंगे और आप सब लोग अच्छी आपकी सब लोगों की ज़िंदगी में नई नई नॉलेज का इजाफा हो रहा होगा। आप लोग वीडियो तो देखते ही रहे हैं मेरी सारे लेक्चर्स में। तो क्लास, मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए दोबारा से हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ रहे थे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ड्राफ्टिंग और क्राफ्टिंग वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये एक एसेक्सुअल मेथड है, जब एक प्लांट अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ अमल में ले के आ रहा होता है। तो क्लास, मैं आपको थोड़ी सी न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो क्लास, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आज आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से पहले मैं आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज सेल्स के बारे में दूँगी। सेल बहुत से तरह के होते हैं। एक प्लांट में एक काम करने वाला सेल होता ही नहीं। ग्रोथ के अपने कुछ हार्मोन्स होते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सिन्स के बारे में बताया था। साइटोकिन्स के बारे में भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी। तो क्लास, याद रहे, मैं आपको आज के लेक्चर में ऑक्सिन्स और साइटोकिन्स के हवाले से भी बहुत कुछ डिटेल में बताना चाहूँगी। एक बात याद रखिए कि मेरा ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो क्लास, अब आप तैयार रहिए कि हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि ऑक्सिन्स और साइटोकिन्स आपकी सेल के टिश्यू को बनाने के काम आते हैं, लेकिन ये हार्मोन हमारे अंदर नहीं, ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये मेरे पिछले लेक्चर में आपको क्लियर होगा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको अगर याद हो तो बहुत ज़्यादा लाजमी तौर पे इस्तेमाल होने वाली प्रोपोगेशन है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काफ़ी चीज़ें अमल में आती हैं। तो ऑक्सिन्स और साइटोकिन्स और बाकी हार्मोन्स इनके अंदर काफ़ी 100% तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्लास, आप लोगों को ये भी पता है कि हमारी खुराक यानी प्लांट्स जो हम लोग ले रहे होते हैं वो हम लोग बाहर से पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी हम अपनी खुराक कभी भी खुद नहीं बना सकते। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अगर कभी आपसे कोई बंदा भी ये बात पूछ ले कि इंसान और प्लांट में फ़र्क क्या होता है, तो सबसे पहले एक बात आप ये बताएंगे कि बेसिक बात ये है कि इंसान अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और प्लांट्स अपनी खुराक खुद ही बनाते हैं। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है इंसान और प्लांट्स के अंदर। एक पौधा अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाता है। मैंने आपको ये बात बता दी कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए आपको आपकी खुराक मिलती हुई नज़र आती है। तो क्लास, मैं इस टाइम आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझाने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो। तो क्लास, प्लांट को ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र यानी खाद की ज़रूरत होती है। खाद की ज़रूरत इसको इसीलिए होती है ताकि वो एक अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। तो क्लास, आज के लिए इस बात से तैयार रहिए कि मैं आपको सब कुछ प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आर्टिफिशियल यानी इंसान में इंसान का बना हुआ, आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको अभी लिखने के बाद बताती हूँ। तो क्लास, आर्टिफिशियल और नेचुरल चीज़ में क्या फ़र्क होता है? आपने ये बात सुना होगा कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और ये असली यानी असली ज्वेलरी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नकली यानी दो नंबर चीज़ से बनी होती है। ये बात ये नहीं कि हम जो प्लांट्स अभी पढ़ेंगे वो दो नंबर हैं।
तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल लें। आर्टिफिशियल यानी उसी की एक शक्ल को कॉपी किया गया है। क्यों किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्लास, मैं आपको ये बात बता रही थी कि आर्टिफिशियल दो नंबर चीज़ को नहीं कहा जाता। एक तरफ हीरे का सेट है और दूसरी तरफ हीरे का उसी तरीके का सेट है, लेकिन वो हीरे नहीं क्रिस्टल का है, तो वो आर्टिफिशियल सेट कहलाएगा। यानी आर्टिफिशियल का मतलब ये कि आप एक चीज़ की वैसी ही शक्ल बनाते हैं, लेकिन अंदर से वो चीज़ वो नहीं होती। तो आर्टिफिशियली कुछ फ्रूट्स चाइना वाले बना रहे हैं। आपने ये बात सुना होगा कि चाइना वाले प्लास्टिक से चावल बना रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियली बनाने का, चावल बनाने का एक तरीका है। तो आर्टिफिशियल चीज़ खुराक बनाना एक तरीके से अच्छा भी है, अगर वो मुनफरिद चीज़ों से हो और नेचुरली एक चीज़ बनाने का ये तरीका है कि उसके अंदर टेस्ट कुछ और ही होता है। जैसे कि आपने कभी कभी, अगर जो लोग हज करने या उम्रे पे इस उम्र में गए हों या आपके वालदैन गए हों, तो सऊदी अरब में मिलने वाले फलों को खाया होगा। सऊदी अरब में मिलने वाले फल अक्सर लोग ये कहते हैं कि टेस्टलेस होते हैं। तो अक्सर कंट्रीज़ आर्टिफिशियली खुराक बना के सऊदी अरब वालों को दे देते हैं, इसीलिए वहाँ के खुराक में टेस्ट नहीं होता। फिर भी आर्टिफिशियल तरीका हमारी पॉपुलेशन, जैसा कि आपको पता है, दिन ब दिन इंक्रीज़ करती जा रही है, तो वो दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। जैसे ही हमारी तादाद, हमारी कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उसकी खुराक पूरी करना भी बहुत मुश्किल बात है। तभी तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक अमल हमारे सामने इजीली आया है, जो हमारी खुराक को यानी पॉपुलेशन की खुराक को पूरा करने की पूरे काम करते हैं। तो क्लास, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए तैयार रहिए। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सम प्लांट्स कैन बी वर्टिक आर्टिफिशियली propagated by using their vegetative parts. This is called artificial vegetative propagation. Following are the few types of artificial vegetative propagation. कुछ plants artificially बनाए जाते हैं labs में, या फिर experiment करके एक process बना दिया जाता है जिसकी वजह से artificially plants बना लेते हैं। बात ये नहीं कि हम plastic या किसी चीज़ से plant बना रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हम आर्टिफिशियली यानी एक प्लांट को के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं जो आर्टिफिशियल कहलाएंगे, लेकिन इसका बनाने का पूरा प्रोसेस नेचुरल है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बाय स्टेम इन प्लांट्स, आपने ये बताया है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन स्टेम के जरिए, तने के जरिए प्लांट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो क्लास, आपको कटिंग के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। कटिंग आर स्पॉटेड स्पीशीज ऑफ स्टेम विद टू और थ्री नोड्स। इसमें ये बात बताई है कि कटिंग में दो से तीन नोड्स मौजूद होते हैं जो बर्ड्स की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं, विच आर कट ऑब्लिक्वेंटली बिलो अ नोड फ्रॉम अ प्लांट। तो नोड्स हमें अक्सर प्लांट के नीचे वाले स्टेम के यानी तने के नीचे वाले हिस्से में आसानी तौर पे नज़र आ रहे होते हैं। द कटिंग आर इम्बेडेड इन सॉइल बेड विद एट लीस्ट वन नोड। इसमें ये बात बताई है कि जो कटिंग है वो अच्छे तरीके से बेंड हुई हुई है एक नोड के अंदर। द एडवांटेजियस रूट एंड शूट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स एंड द पोर्शन बिलो द सॉइल एंड अबव द सॉइल इज रिस्पेक्टिवली फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट। इसके अंदर ये बात बताई है कि बर्ड्स पहले से मौजूद होते हैं एक तरह की सॉइल जो से ऊपर वाले हिस्से तक बर्ड हमें आसानी से नज़र आ रहे होते हैं। द सॉइल रिस्पेक्टिवली फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट, इसमें ये बताया है कि एक तरीके से, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, एक तरीके से बर्ड्स वाले एरिया से तने को थोड़ा सा काट दिया जाता है ताकि की जड़ निकल आए, और फिर वो दूसरी जगह पे प्लांट किया जाता है ताकि एक नया प्लांट निकल आए। यहाँ पे बर्ड्स की भी एग्जांपल जो मैं पिछले लेक्चर्स में देती आ रही थी वो भी आ गई है। शुगर की ब्लॉसम, स्वीट पोटैटो, हिबिस्कस, रोज इन हर इन रसबेरी एंड ब्लैकबेरीज रूट कटिंग आर ऑल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलें जी, क्लास में आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी।
सबसे पहला है तो क्लास यहाँ पे तने के इस हिस्से पे कभी या कभी इस हिस्से पे बर्ड्स निकले हुए होते हैं। तो ये बर्ड्स आप चाहें तो ये सिर्फ बर्ड निकाल के किसी और जगह पे निकाल लगा के चंद अरसे में प्लांट्स उगा सकते हैं, लेकिन अक्सर फ्लावर फार्मर्स यहाँ का एक तना काट के थोड़ा सा तना काट के इसको पूरे को यहाँ पे लगा के एक रोज़ प्लांट का को फॉर्म कर सकते हैं। ये अक्सर गुलाब के फूल के साथ किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ क्लास, आलू जो मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में शायद बताया था कि आलू के ऊपर एक सफ़ेद रंग का बर्ड नज़र आता है, इसको कट करके एक मिट्टी के ढेरे में या किसी पॉट में डाल दिया जाए, सूरज की रोशनी और प्रॉपर 100% खुराक दी जाए पानी समेत, तो ये चंद अरसे में एक पूरा पोटैटो बन के बाहर आएगा। इसको भी बडिंग या कटिंग में शामिल किया जाता है। ग्राफ्टिंग, दिस टेक्निक इज वेयर बाय अ ब्रांच डिजाइन वेरिटी ऑफ प्लांट कैन बी ज्वाइंड वेल एस्टेब्लिश रूट स्टेम द प्लांट फ्रॉम वेयर द ब्रांच इज टेकन इज कॉल्ड सिकन एंड द प्लांट ऑफ टू विच इट इज ज्वाइंड इज कॉल्ड स्टॉक द टू प्लांट्स इन्वॉल्व आर नॉर्मली द वेरियस ऑफ सेम स्पीशीज ऑरेंज लाइम लेमन एंड मैंगो। तो क्लास यहाँ पे आपको ये बात बताई है कि ये एक नींबू का पूरा दरख्त है। तो नींबू का दरख्त असल में क्या काम करता है ये आपको पता है, ये आपको नींबू भी प्रोवाइड करता है। ये दरख्त बहुत ज़्यादा मुश्किल से उगता है, ये जहाँ पे उग जाता है फिर वापस दोबारा इसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने की गलती ना करिएगा। हमारे घर में भी एक नींबू का दरख्त था जो हमने उठा के किसी और जगह लगा दिया, जैसे ही वो ग्रोथ पाया तो वो बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि हमने उसकी जगह चेंज कर ली थी। तो ये चीज़ हमें भी बहुत बुरी लगी, उसमें काफ़ी बड़े बड़े नींबू लगा करते थे। तो क्लास आप एक बात का ख्याल रखना कि नींबू के दरख्त की कभी भी लोकेशन चेंज नहीं करिएगा। तो क्लास नींबू का ये तना काट के किसी और जगह लगा दिया जहाँ पे लाइट और इसकी बैलेंस बॉडी चल रहे बैलेंस करने के काबिल हो, तो वो वहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे उसको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसको एक स्पेसिफिक तरीके से काटा जाता है, एक तने को एक अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से ब्रांच को काटा जाता है इसकी एक शाख को, ताकि वो दूसरी जगह ग्राफ्ट हो जाए और आपको एक बहुत अच्छा प्रोसेस फॉर्म ऑफ लेमन मिल सके। होप सो आज के लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया है। अगर आपको आपने अपना 100% रिस्पॉन्स मेरे लेक्चर में दिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट टू यूजिंग पेरेंट्स वेजिटेटिव सेल प्रॉपरली डेवलप्ड अंडर द प्रॉपर्टी लेबोरेटरी कंडीशंस। तो क्लास मैंने आपको ये बात भी बताई कि ये असल में काम क्या कर रहा है। अपने लेक्चर में मैंने ये भी बताया कि अगर आप एक नींबू यानी कि इस नींबू का दरख्त का एक प्लांट को ग्राफ्ट करते हैं तो उसका जायका बिल्कुल उस अपने पेरेंट प्लांट जैसा ही होगा। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और यही एक स्पेसिफिक तरीका है जिस तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुई जाती है और पेरेंट्स वेजिटेटिव प्लांट्स को उगाया जाता है। तो क्लास आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, देयर आर सर्टेन पार्ट्स विद अंडरग्राउंड स्टेम विच ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ बेयरिंग बर्ड्स लाइक ओनियन बल्ब्स कॉर्न कॉर्न ऑफ कोकोकिया राइजोम ऑफ जिंजर एंड कैनाले पोटैटो ट्यूबर। तो क्लास इसके अंदर जड़ के बारे में जिक्र किया गया है। अंडरग्राउंड स्टेम्स होते कौन से हैं? अक्सर अंडरग्राउंड स्टेम में अदरक जैसे, आलू जैसे, प्याज जैसे और काफ़ी ज़्यादा ऐसे गाजर जैसे अंडरग्राउंड स्टेम जो ज़मीन के अंदर उगने वाले सामान हैं वो पाए जाते हैं। तो क्लास आपको मैंने गाजर के बारे में एक बात बताऊंगी। गाजर को जब आप खा लें तो उसके नीचे वाले हिस्से को मिट्टी में डबा दें, फिर कुछ अरसे बाद आप खोल के देखें तो वहाँ पे एक नई गाजर उगी हुई होगी।
ये एक वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसी तरीके से आलू के अंदर एक से ज़्यादा बर्ड्स भी निकल आते हैं, तो आप वो सारे बर्ड्स अलग अलग करके भी डाल सकते हैं। प्याज की जड़ को अगर आपने गौर से देखा हो तो प्याज की जड़ को आप अच्छे तरीके से नीचे से काट के उसकी जड़ को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और उस पर पानी डाल देते हैं, तो आपको एक तरीके से एक नया प्याज का पौधा मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे दे के एक एक लफ्ज़ समझा रही हूँ। तो क्लास आज का नया चैप्टर नया टॉपिक एक और भी है, जो है एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Advantage: a young plant uses food resources for the parent plants while developing. Only one part is involved. Isme advantages ye hai ki ek young plant ko food resources yani parent plant se pehle se maujood mili hui hoti hai. Agar aap ek naya pauda ugayenge to uske liye aapko rukna zyada padega, beej bhi dalna padega, phir उसकी गारंटी भी इतनी नहीं कि वो उगेगे कि नहीं, तो इसीलिए बीज वगैरह डाल के आप उसमें पानी डालें और बहुत वेट करना पड़ता है। इसी तरीके से डायरेक्टली आप काट के डायरेक्टली मिट्टी में दबा के एक बड़ा सा पौधा आराम से निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा गुड डिज़ायरेबल पेरेंशियल करेक्टर कैन बी रिटेन्ड फॉर इनटू ऑफ स्प्रिंग। आप वही पौधा लेंगे जो अच्छा खुराक, अच्छी चीज़, अच्छे पत्ते और अच्छी बगैर किसी डिजीज़ के वो प्लांट मौजूद हो, आप वही प्लांट लें तो उसकी जो पेरेंटल प्लांट होगी तो उसका ऑफ स्प्रिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अ न्यू प्लांट इज़ फॉर्म मैच्योर रिपीडेडली देन द प्लांट ग्रोस फ्रॉम द सीड। ये एक अच्छे तरीके से मैच्योर प्लांट होगा, एक सीड से निकला हुआ प्लांट की तरह सुस्त नहीं होगा। आपको सीड से निकले हुए प्लांट में नई नस्ल आ जाती है और कभी कभी खराबियां भी होती हैं, तो इसमें खराबी के चांस ही नहीं। अ लार्ज नंबर ऑफ डिज़ायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट टाइम। और डिज़ायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से बहुत छोटे टाइम के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन: कोई न्यू वेराइटी नहीं होती, यानी इसमें ये बताया कि इसका टेस्ट कॉमन सा होता है, कोई नई वैरायटी आपको नहीं मिलती जैसे कि सीड्स में मिलती है, ये इसके नुकसानात हैं। ओवर कवरिंग ऑफ कार्डिंग ऑफ वेजिटेटिवली प्रोड्यूस प्लांट्स लीड टू सर्वाइव द कंपटीशन फॉर सर्वाइवल अमंग ऑल। इसमें ये बात बताया है कि इसके लिए कॉम्पिटिशन हो जाता है, यानी कि ये भी न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है, तो इसको सर्वाइवल कंपटीशन ज़्यादा होता है। सर्वाइवल कंपटीशन एक मैदान में अगर कोई गाय को किसी ऐसी जगह पे बेच दिया जाए जहाँ बहुत सारे पौधे हो, तो वहाँ पे जाके पागल ही हो जाएगी और सारे पौधे चट कर जाएगी, तो ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक बड़ा प्लांट आसानी से गाय खा सकती है। Lack of variety of leads to reduce the resistance to disease, change in environment. इसमें यह बताया है कि डिजीज़ के अंदर, बीमारी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं environment के अंदर, जो इसकी बॉडी पे असर कर सकते हैं। Colonization of new nucleates is unlike the plants will not readily disturbed. इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन आराम से नहीं होती, बस एक कॉलोनीज़ में ये डाल दिए जाते हैं तो ये एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई यूनिटी होती ही एक यूनिकनेस होती ही नहीं जो अलग अलग प्लांट्स पे होती है। बीज से उगाने वाले प्लांट्स के अंदर एक बहुत स्पेशल बात होती है। क्लास एक बात बहुत अच्छे तरीके से गौर फिक्र से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बात कान खोल के सुनिए और समझिएगा कि आपके पास आपके प्लांट्स के अंदर काफ़ी कुछ मौजूद होता है, तो प्लांट्स के अंदर एक यूनिकनेस होती है। अगर एक बीज से उगाया हुआ दो प्लांट्स हैं तो उनके अलग 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 टेस्ट होंगे, लेकिन अगर आपने एक प्लांट से ग्राफ्टिंग या ड्राफ्टिंग कर ली है तो आप वो
प्लांट जब उगाएंगे तो समझ जाए कि उसका टेस्ट उसके पेरेंट के जैसा होगा। होप सो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको एक एक बार डिटेल से बताई कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। होप सो आपको आज के लेक्चर में एक एक लफ्ज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है और आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये वाला आपको अगर क्लियर हुआ तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको बता होना चाहिए कि ये सारा प्रोसेस हो क्या रहा है। इससे आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।